गुमला में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ सर्च अभियान जारी। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना में भाकपा माओवादियों ने किया हमला। हमले के बाद नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, दोनों ओर से घंटों चली गोलीबारी। मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुलिस चला रही है नक्सलियों के विरुद्ध अभियान तेज। नक्सलियों ने गुमला के कुरुमगढ़ थाना पर किया हमला, जवानों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात नक्सलियों ने जिले के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना पर गोलीबारी की। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़ा हुए। इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गोलीबारी की घटना के बाद के नक्सलियों की धरपकड़ के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। इस मामले में गुमला एसपी ने बताया कि रात में थाना के पास गोलीबारी की गई है, इसका जांच किया जा रहा है। पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। माओवादियों ने विस्फोट कर उड़ाया था थाना का भवन। माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने झारखंड समेत 3 राज्यों में बंद का आह्वान किया था। 3 दिनों तक गुमला जिला में शांतिपूर्ण ही बंद रहा, लेकिन 25 नवंबर को बंद की अंतिम रात चैनपुर प्रखंड स्थित कुरुमगढ़ थाना की नई बिल्डिंग को विस्फोट कर माओवादियों ने उड़ा दिया था। घटना की सूचना मिलने पर 26 नवंबर की सुबह पुलिस बल मौके पर पहुंची थी। जानकारी के अनुसार 70 से 80 की संख्या में माओवादी रात में कुरुमगढ़ के निर्माणाधीन थाना पहुंचे थे। वहां सो रहे मजदूरों को पहले थाना बिल्डिंग से बाहर निकाला और जिलेटिन लगाकर थाना बिल्डिंग को उड़ा दिया था। तेज विस्फोट के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।